हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज हम चने दाल की कढ़ी पकौड़ा बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। ये चना है, इसको हम 5 से 6 घंटे इसको भिगो लिए थे। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, 4 से 5 6 लहसुन की कलियां डालेंगे। अब इसको मिक्सी जार में लेंगे, लहसुन भी ले लेंगे, चने दाल भी, हरी मिर्च भी। इसको हम ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा मुझे ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा ही ग्राइंड करना है। इसका इससे पकौड़ी क्रिस्पी बनता है। देखिए, अब इसको हम ग्राइंड कर लिए हैं। इसके देखिए, ज़्यादा ये दरदरा ही है, ज़्यादा ये पीसा नहीं है। देखिए कितना ये बन गया है। अब इसमें हम इसके सामग्री डालेंगे। देखिए, 2 से 3 हरी मिर्च डाले हैं, प्याज डाले, बारीक कटा हुआ प्याज डाले हैं। अब इसमें हम मसाले यूज़ करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। आप मिर्च, आपको तीखा पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च भी डाला हुआ है। अब इसमें हम अजवाइन डाले, अजवाइन डालने से पकौड़ी का टेक्सचर अच्छा आता है। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। इसको हम चम्मच की सहायता से इसको हम मिला लेंगे, अच्छे से हम सारे को मिलाएंगे। देखिए, ये अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। अगर हम चम्मच से हम एक डालेंगे, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। देखिए, मैं हाथ से अच्छे होता है, अच्छे से बनता है। धीरे धीरे करके हम हाथ से ही डालेंगे। सारे ऐसे ही बना लेंगे हम। अब इसको हम पलट लेंगे, तो कितना ही क्रिस्पी बना है। इस तरीके से आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छा बनता है चने दाल की पकौड़ी। देखिए, हम सारे बना के इस तरह से हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए कितना अच्छा बना है, कलर कितना प्यारा आया है। अब इसमें हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे तड़का के लिए, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। ये मसाले हैं, जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हम राई डालेंगे, 5 फोरन डालेंगे। इसको हम चला प्याज डाल के इसको चलाएंगे, थोड़ा प्याज ब्राउन कलर हो जाए तब हींग डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इसको हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इनको 2 मिनट तक हम भुनेंगे। अब इसमें बेसन है, इसी में हम दही डाल देंगे। दही डाल के इसको अच्छे से हाथ से हम इसको मिलाएंगे। 2 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें अब हम पानी डाल देंगे, अपने क्वांटिटी अनुसार अब इसमें पानी डालिए। अब इसे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से इनको भूनेंगे। भूनने के बाद उसमें हम पेस्ट डालेंगे बना हुआ। इसको हम 1 से 2 मिनट तक इनको पकाएंगे। अब इसे स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक डाल के इसको 1 मिनट तक चलाएंगे। इसमें अब हम पकौड़ा बना हुआ हम इसमें डालेंगे। सारे पकौड़े को हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। अब 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। देखिए, ये बन गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। इसमें थोड़ा सा हम गर्म मसाला ऊपर से हम डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा ये बना है, एक बार बना के देखिए। इस तरीके से बहुत ही अच्छा बनेगा।
आपको हमारा रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।